डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम पावर पॉइंट के लेक्चर्स को शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, तो पावर पॉइंट में सबसे पहले अगर आप इसको ओपन करें तो आपको सबसे पहले कुछ लेआउट जो नज़र आता है वो इस तरह का नज़र आता है। सबसे पहले तो हम फाइल के ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को डिटेल में हम स्टेप वाइज मुख्तलिफ लेक्चर्स में डिस्कस करते होंगे। तो अगर मैं फाइल का ऑप्शन देखूँ तो फाइल के ऑप्शन में सबसे पहले मुझे ऑप्शन नज़र आता है होम का। इस होम में आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको ये लेआउट नज़र आ रहा है, होम पे क्लिक करते ही आप दोबारा होम के ऊपर। सेकंड आपके पास ऑप्शन है न्यू का। मैं न्यू में जाता हूँ तो न्यू में मुझे बताता है कि आप किस टाइप की प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लैंक को रखना चाहते हैं, आप इस डिज़ाइन को रखना चाहते हैं, इनमें से आप कोई भी डिज़ाइन रखना चाहेंगे तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रेजेंटेशन पेज होगा वो आपके सामने रेडी होके शो हो जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी प्रेजेंटेशन को के डिज़ाइन को क्या कर सकते हैं, चूज़ करना चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फ्यूचर फॉरवर्ड, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपके सामने है। इसको हम चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक आपकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो स्लाइड्स बन गई हैं वो इस डिज़ाइन की बन गई है। ये आपके पास वो लेआउट सामने आ गया। आप चाहते हैं नहीं, हमने चेंज करना है, दोबारा न्यू में जाएँ, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ब्लैंक वाली आपके पास ये आ गया। फाइल के ऑप्शन में न्यू में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी प्रेजेंटेशन चूज करना चाहें आप कर। देन ओपन में आपने कोई फाइल्स पहले से मौजूद आपके पास सेव, फॉर एग्जांपल ये मेरा लेक्चर है, ये डिफरेंट टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हैं या चीज़ें हैं या डिफरेंट फोल्डर्स में आप जाना चाहते हैं तो आप उन फोल्डर्स तक क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो ओपन की मदद से। इन्फो में आप जिस फाइल के ऊपर वर्क कर रहे होते हो उसकी आपको सारी डिटेल हमें मिल जाती है, कितनी इसमें स्लाइड्स हैं, हिडन स्लाइड्स कितनी है, टाइटल आपके अभी हमने कोई टाइटल नहीं दिया, टैग्स अगर लगाए हैं, कैटेगरी क्या है और कब क्रिएट की वो डेट, इसकी ऑथर कौन है वो, और इसको अगर मॉडिफाई किया तो कब। अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखना है तो याल प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी वो इसकी शो कर देगा। तो सिंपली यहाँ से आप इन्फो की मदद से इस रनिंग फाइल की इन्फो देख सकते हैं। सेव की मदद से आप सेव करते हैं, सेव में आएंगे, आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, आपसे पूछेगा इस फाइल को रीनेम करें, इस फाइल को फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं पावर पॉइंट लेक्चर वन, ठीक है। अगर पूछेगा आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, अगर इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में करना है तो ऐसे सेव कर दें फिर डेस्कटॉप को सेलेक्ट करके, और अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको शो कर रहा है, PDF, XPS, डॉक्यूमेंट, आप किसी भी ओल्ड फॉर्मेट या किसी भी फॉर्मेट में इस फाइल को क्या सेव कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन है कि मतलब आपकी फाइल हो जाएगी सेव हो जाएगी। सेम सेव एज भी वही काम ही करता है, वही प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना चाहता हूँ, आपके पास रीनेम फाइल को करें और आप कोई और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो आपका वो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें। यूजली हम PDF में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको देन आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो पेज होगा आपका उसका आपको एक सिंपली यहाँ पे लेआउट शो कर देगा कि ये प्रिंटिंग में इस तरह आएगा। अभी हमने चूंकि कुछ लिखा नहीं हुआ, शेयर की मदद से डायरेक्टली यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। बेस्ट मेथड ये होता है कि आप यहाँ से ईमेल ना करें बल्कि फाइल को सेव करें, आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें और वहाँ पे अटैचमेंट्स के ऑप्शन से फाइल को क्या करें, अटैच करें। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को PDF या XPS में कहाँ पे किस फॉर्मेट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, क्लोज करेंगे तो जो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब दोबारा हम जाते हैं वापस, ये आपके पास होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है, क्लिक टू ऐड टाइटल। इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगा आपके सामने बाकी ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। जब तक इसको सिलेक्ट नहीं किया वो बाकी ऑप्शन आपके सामने मैक्सिमम ऑप्शन क्या हैं डिसेबल हैं, वो अभी वर्क नहीं करें। जो ऑप्शन वर्क कर रहे हैं उनमें से कौन से हैं, न्यू स्लाइड, ठीक है, आप इसकी मदद से किसी भी टाइप की कोई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देखें आप कौन से फॉर्मेट में आते हैं, ब्लैंक रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सेकंड स्लाइड आपके पास इस फॉर्मेट के अंदर आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास लेआउट है, आप किस लेआउट में रखना चाहते हैं वो लेआउट आपसे पूछेगा, आप यहाँ से लेआउट सेट करेंगे, रीसेट करेंगे तो ये बैक फॉर्मेट के अंदर जिसमें होती है वो, और सेक्शनिंग करनी है तो हम यहाँ से सेक्शन करेंगे कि हम उसमें सेक्शंस को ऐड करना चाहते हैं। अब ये बॉक्स है, आप इसके अंदर टाइटल अपना लिखेंगे, आप चाहें तो इस बॉक्स को खत्म भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइटल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ लेक्चर 01, सब टाइटल देना है तो मैं दे देता हूँ पावर
पॉइंट ट्यूटोरियल, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये लिखा है, आप कुछ लिख सकते हैं आप, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिख दिया, ठीक है। अब इस लेक्चर वन में आप जैसे आपने इसमें लिखा, आपके सामने डिफरेंट चीज़ें क्या हो गई सामने, ठीक है। रीसेट करूँगा तो ये वापस अब जिस स्लाइड्स का फॉर्मेट होता है वो रीसेट फॉर्मेट के अंदर चला। अब इस लेक्चर वन में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉन्ट है उसको चेंज करना चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप फॉन्ट को सेलेक्ट करें और किसी भी फॉन्ट के अंदर इसको ले। अब जिस भी फॉन्ट में अपना ये लिखना चाहते हैं वो फॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ से फॉन्ट का साइज आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें छोटे ए की मदद से, बड़े ए की मदद से, या आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें 80 के ऊपर चला गया। कंट्रोल बी या बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो खत्म। आई फॉर इटैलिक तिरछा हो जाएगा, इसी को कंट्रोल आई से भी, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाता है। आप इसको ऐसे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इनका कलर भी क्या कर सकते हो, तो इसका कलर चेंज कर लें। आप इसको सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं, सिर्फ लोअर केस छोटे लिखना चाहते हैं, अपर केस बड़े लिखना चाहते हैं, हर लेटर को कैपिटलाइज करना चाहते हैं या टॉगल केस करना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा ये वाली चीज, ये देखिएगा जरा, सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस में सारे बड़े हो गए, कैपिटलाइज ईच लेटर, देखिए हर लेटर का जो हर वर्ड है उसका पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया। टॉगल केस में कुछ ऐसा होता है, ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। देन यहाँ से आप जिस तरह वर्ड में बुलेट्स लगाते थे अपनी मर्जी के, कोई भी बुलेट्स लगाना चाहें तो वो बुलेट्स भी क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अब किसी भी टाइप का बुलेट चाहते हैं यहाँ पे आप अपनी मर्जी का बुलेट लगाएं। आप नंबर्स देना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास वो नंबर्स आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी के नंबर्स लगाएं, ए बी सी कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ से जस्टिफाई करना है लेफ्ट पे, सेंटर में या राइट के ऊपर, या सिंपली उसको आप क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं किसी और फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ से आपकी जस्टिफिकेशन होती है और इसकी मदद से आपके पास आपने जो दो, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, इन लाइंस में आपने डिस्टेंस कितना रखना है, तो ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप इतना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, 1.5 पे लेके जाना चाहते हैं, 2 पे लेके जाना चाहते हैं, 2.5। ये लाइन स्पेसिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आपको शो हो जाएंगे कि आप कितनी लाइन स्पेस रखना चाहते हैं, बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट। अब यहाँ से जितने पॉइंट्स की वैल्यूज को रखोगे आप अपनी मर्जी की कोई भी पॉइंट वैल्यूज सेलेक्ट करके आप इस डिस्टेंस को डिफरेंस चेंज भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास क्या है, क्योंकि ये वाला ही फॉर्मेट मौजूद है तो इसको आप नॉर्मली 1 के ऊपर ही रखते हैं, लेकिन आप चाहें इस गैप को इंक्रीज भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो जानी चाहिए। देन इसकी अलाइनमेंट है लेफ्ट राइट, वो भी हम पहले ही सीख चुके हैं वर्ड में, सेम इसका वही काम है कि आप इसको किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ऐसे रखना चाहते हैं लाइन जैसा। नॉर्मली इस साइन को हम तब यूज़ करते हैं जब हम उर्दू लिखना चाहते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मली इंग्लिश में लिए इस साइन को हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके पास टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो आपने कैसी रखनी है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, आप इसको रोटेट करते हैं 90 के ऊपर, इस तरह आप 90 पर रोटेट करते हैं, आप इसको स्ट्रेच करते हैं, आपके पास मोर ऑप्शन भी है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को चाहें उसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो सकती है, चेंज की जा सकती है। आप किसी भी डायरेक्शन में चाहें तो आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में इस जगह से साइज कम या ज़्यादा भी हो सकता है इसको, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, तो ये बॉक्स को कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आप जितनी मर्जी इसको चाहें बड़ा कर दें जितना मर्जी। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन है टेक्स्ट की जो कि आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, चेंज भी यहाँ पे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें इसको चूंकि इस तरह डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, ये देखें आपके सामने क्या हो गया, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं थोड़ा सा। देखिए पावर पॉइंट ट्यूटोरियल हमारे पास इस तरह भी आ सकता है। तो ये डिफरेंट स्टाइल है यहाँ पे लिखने के कि आप टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट के हवाले से मिडल में रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे लेके जाना है इसको, ये डिफरेंट ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट के आपके पास। स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो ये चूंकि हम पहले ही हम देख चुके होंगे हम इसको स्मार्ट आर्ट में कैसे लेके जा सकते हैं, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है, इनमें से कौन सी स्मार्ट आर्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, अब वो स्मार्ट आर्ट भी चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
दोबारा से इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। पावर पॉइंट ट्यूटोरियल लेसन 01 होम टैब, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जब भी इसको स्मार्ट आर्ट में आप कन्वर्ट करेंगे या आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन है, जो जो आप पॉइंट्स लिखेंगे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन के फॉर्मेट में, आपके सामने किस तरह लिखना चाहते हैं आप, इसको फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं कि पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में हम लेसन वन पे गए, देन होम टैब पे जाएंगे, ये पावर पॉइंट ट्यूटोरियल है। आप इनमें से किसी भी तरह का स्मार्ट आर्ट चाहें आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट सीक्वेंस सेल हमारे पास सीक्वेंस को शो करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए मोर स्मार्ट ग्राफ्स भी हैं, सिर्फ यही नहीं है। आप लिस्ट वाले में जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, तो मैंने ओके किया, आपके सामने ये प्रोसेस हमने शो किया कि ये, अब ये प्रोसेस की आप डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए डिफरेंट डिज़ाइन आपके पास उनके कलर्स हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन आपको शो करेगा, आप किस फॉर्मेट के अंदर उसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर उसके डिज़ाइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से इनके कलर्स को भी क्या कर सकते हैं, चूँकि ये प्रेजेंटेशन देने के लिए हमने यूज़ करनी है, तो देखें कि कलर्स भी आते हैं हमारे पास। सबसे पहले पावर पॉइंट ट्यूटोरियल में लेसन वन पे जाएंगे, देन होम टैब पे जाएंगे, ये डिफरेंट एक सिक्वेंशियल है हमारे पास जिसको हम बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर लेके जा सकते हैं। ये तब होगा जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होगा, तो ये ऑटोमेटिक आप चाहते हैं नहीं वो डिज़ाइन सही नहीं था, आप अभी भी चेंज करना चाहते हैं, आप चाहें तो अभी भी इस चीज़ को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी डिज़ाइन में जाएं, आप उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप किस भी फॉर्मेट को चूज़ करो, आपके सामने वो फॉर्मेट देखें इस तरह से रेडी होगा, ठीक है। आप उसको किस फॉर्मेट में रखते हो ये आपकी चॉइस है, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखा देंगे, ये फॉर्मेट्स आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। आई होप कि ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर होगी होगी। आप यहाँ पे फिलहाल अभी भी चाहते हैं चेंज करना उसका डिज़ाइन, देखें ये डिफरेंट डिज़ाइन के ऑप्शन हैं, आप किस फॉर्मेट में डिज़ाइन को रखना चाहोगे आप उस फॉर्मेट के अंदर डिज़ाइन को ले जाएं। उसके कलर्स चेंज करने हैं तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है कलर चेंज करने के, आप उनके कलर्स को भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जिस टाइप का कलर चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज हम देखना चाहते हो, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। हम यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो वर्ड यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे, इधर आप लिखते जाएं तो आपकी वो चीज जो टेक्स्ट है वो लेसन वन है, डे वन, देखें वहाँ पे डे वन भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो साइज भी आप यहाँ से इसको ड्रैग डाउन करके इसका साइज भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से करते हैं। अब ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर होगी हमने इसको किस तरह करना है। ये डिफरेंट डिजाइन है जो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। इन डिजाइन्स के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स को रिमूव करने की जरूरत है, आप जस्ट इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे और बैक स्पेस ड्रैग करेंगे, ठीक है, तो वो खत्म हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को जो स्टार्टिंग में मौजूद था खत्म करना है तो बैक स्पेस, इसको थोड़ा सा मैंने क्या किया छोटा किया, ठीक है, और क्या बैक स्पेस की तो ये खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड स्लाइड पे जाता हूँ, अब मुझे ये चाहिए ही नहीं था, मैं वैसे रैंडमली अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इसको बैक स्पेस कर दी तो ये आपकी ब्लैंक में भी आ जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं होम टैब की मदद से इन चीज़ों को भी आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जी करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास वापस आना शुरू हो जाएंगी। हमने कंट्रोल जी किया, ये मेरे पास सेक्शन नंबर वन वाला जो मैंने काम किया था वो आपके सामने दोबारा से स्क्रीन पर वाजे है। देन यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं जो जिस तरह वर्ड में हम इंसर्ट करते थे, आप अपनी मर्जी की कोई शेप भी यहाँ पे चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ स्टाइल्स हैं आपके पास, आप किस स्टाइल के अंदर इसको लिखना चाहते हैं आप इनमें से कोई स्टाइल भी चाहें तो चूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपके पास अदर थीम्स भी हैं, उन थीम्स में से कोई सिलेक्शन चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी चीज़ थीम है
आप अपनी मर्जी के थीम में जाके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर शेप को आपने किस तरह फिल करना है, ठीक है, ये शेप फिल आप किस कलर में फिल करना चाहते हो, वो आपके पास यहाँ पे फिल्स भी मौजूद हैं, आप अपनी मर्जी से ग्रेडियंट स्टाइल्स भी हैं आप चाहें। ये देखें, एक तो है कि आपके पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आपके पास ये स्टाइल होते हैं, एक होता है टेक्स्चर, टेक्स्चर में आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल्स मौजूद हैं, जिस स्टाइल में लेके जाना चाहेंगे आपकी जो फाइल होगी ऑटोमेटिक उसी स्टाइल के अंदर मूव कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रखता हूँ तो ये देखें एक टेक्स्चर लग गया, आप इसको अपनी मर्जी से जब चाहें, ठीक है, आप कहाँ पर जाएंगे, शेप आउटलाइन में सॉरी शेप फिल में जाएंगे और टेक्स्चर की मदद से या इस ग्रेडियंट की मदद से आप अपनी मर्जी से चेंज करेंगे। टेक्स्चर में आएंगे तो टेक्स्चर में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन होंगे जिनकी मदद से आप इसके टेक्स्चर को भी क्या कर सकते हैं, आपके पास मोर टेक्स्चर भी है, मोर टेक्स्चर में जाके आप मोर डिज़ाइन भी क्या होंगे कर सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास शेप आउटलाइंस में, शेप आउटलाइंस में आपके पास शेप की जो बाहर लाइंस लगी हैं उनकी अपने मोटाई कितनी रखनी है, ये आपके पास उसकी थिकनेस आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। आप अपनी मर्जी से मोर लाइंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जितनी मर्जी थिकनेस रखना चाहें वो थिकनेस रखते हैं। डैशेस को यूज़ करना है तो ये देखें आपके पास ये डैशेस यूज हो सकती हैं यहाँ पे, आप इनके कलर्स को यूज़ करना है आउटसाइड में। तो देखिए मैं इसको ज़रा पहले थोड़ा सा इसकी वेट बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा किया, ठीक है। अब शेप आउटलाइन में मैं इसके कलर्स को चेंज करूँगा तो आपको ये देखिए शेप आउटलाइन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आउटसाइड पे क्या हो रहा है, आपके कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप अपनी मर्जी का आउटसाइड पे कोई भी कलर लगाना चाहते आप वो कलर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कब होगा, जब आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, इसको आप अपनी मर्जी से फ्रीली ड्रैग करें कहीं भी। शेप इफेक्ट्स में आपके पास ये डिफरेंट शेप इफेक्ट्स हैं, आप किस इफेक्ट में जाना चाहते हो, आपके सामने ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, आप इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। शेडो में जाना चाहें तो इसका शेडो भी आपको शो होना शुरू हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में आपके पास ये देखें आपको रिफ्लेक्शन नीचे शो होना शुरू हो गया कि इसका रिफ्लेक्शन बन सकता है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन में आप रिफ्लेक्शन वाले में जाते हैं। ग्लो में जाते हैं, आपकी थोड़ी सी साइड पे जो आपको ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगी। सॉफ्ट एजेस में जाएंगे, आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल है ये इसमें चेंज होता जाएगा। 3D रोटेशन में जाएंगे, आप किस टाइप की रोटेट करना चाहते हैं 3D इसको, वो आपके सामने इसकी रोटेशन भी हो जाएगी। तो ये आपकी डिफरेंट स्टाइल है जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो ये सारे वहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी बेसिक कि होम टैब क्या होती है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट को सीखेंगे और होम के हवाले से जो चीज़ें बाकी हैं जब हम फाइनल प्रेजेंटेशन एक बनाएंगे उसमें आप लोगों को वो वाली चीज़ें भी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और हमेशा एक बार जो कहता हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुद को पॉजिटिव रखें, इस मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो खुद को पॉजिटिव रखते हुए वो कीजिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।